गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उद्वंत नगर प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया और केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। इस गांव चलो अभियान के तहत पूर्व सांसद मीना सिंह के साथ ही कई भाजपा के नेताओं ने ग्रामीणों से मिलकर कश्मीर की 370 धारा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अलावा कई योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। गांव चले अभियान, पहले तो सबसे बड़ी बात की आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत मेरा प्यार है आप लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव चलो अभियान के तहत नरेंद्र मोदी जी 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का जो मूर्ति स्थापित किए हैं वो बहुत हर व्यक्ति को, हर चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति को बहुत ही प्रभावित किया है और राम राम का नाम हर जगह लिया जा रहा है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि राम लला को स्थापित करके नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। जीपी गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता हमारे नेता गांव गांव में जाकर के केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था हो, इन तमाम योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना, सदियों से जो लोगों की तमन्ना थी अयोध्या में राम मंदिर बने उसका निर्माण, 4 करोड़ लोगों का आवास बनना, शौचालय बनना, तो विकास की योजनाएं या जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, लोगों को जानकारी देना और जो लोग इस योजना से छूटे हुए हैं उनको योजना से जोड़ना, इन उद्देश्यों को लेकर यह अभियान चल रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता और नेता गांव गांव में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं और जमीन पर इन योजनाओं के उतरने में अगर कहीं कठिनाई हो तो उसका संज्ञान लेकर उसको दूर कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगी, गांव चलो अभियान के तहत हमें इस जिले का संयोजक बनाया गया। एक बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ। गांव चलो अभियान, हमारी जितनी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही है, मोदी सरकार बस 4 जाति वो समझते हैं, महिला, युवा, गरीबी, किसान, चारों पर ये देश चल रहा है। किसान नहीं है तो हम लोग नहीं है। युवाओं का भी एक आकर्षण हमारे मोदी जी की तरफ बहुत बड़ा एक आकर्षण है, जो उन्हें देख कर प्रेरणा के स्रोत रूपी हम लोग मानते हैं। गांव में जाके हम लोग उनकी उपलब्धियां गिना रही हैं, जिस तरह से महिलाओं के लिए विकास हो रहा है या गरीबी में जो अभी
विश्वकर्मा योजना चल रहा है उसमें किसी जाति नहीं पूछी जा रही है। किसी भी जाति से देखा जाए तो वो फॉर्म भर के 2 लाख की ऋण उठाकर फॉर्म भर रहे हैं। ये सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और हमें जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।